हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारियों की महंगाई भत्ते डीए और डीआर को जनवरी 2024 से क्या कुछ बढ़ने वाला है, इसको लेकर यहाँ पर बड़ा अपडेट आ चुका है। सीपीआई इंडेक्स के आधार पर जो आपका डीए निर्धारित होता है, उसके अंदर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है अगस्त के महीने में, यानी कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो यहाँ पर महंगाई का जो सूचकांक था वो हमने प्रोवाइड कर दिया था, जिसके अंदर आपको आपका जो डीए है वो 47% के समथिंग बन रहा था। आपको पता है जुलाई 2023 से आपका जो डीए है वो 46% यहाँ पर अनाउंस होने वाला है, और 1 महीने में ही 1% यहाँ पर इंक्रीज हो गया था। बट यहाँ पर जो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के जो आंकड़े आए हैं सीपीआई इंडेक्स के, उसमें गिरावट देखने को मिली है। उस गिरावट के बाद में क्या यहाँ पर 50% है वो डीए फिर भी 1 जनवरी 2024 से क्रॉस होगा क्या, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और कितनी गिरावट है। तो अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए भी। अब हम चलते हैं जो ऑफिशियली क्या आंकड़ों में गिरावट हुई है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से चलने वाले आदमी हैं, बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं, बेतुकी बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लेबर ब्यूरो .gov.in की ऑफिशियली वेबसाइट पर आए हैं, जिसमें यहाँ पर लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ है जो कि यहाँ पर सीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे आपके जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर जारी किए गए हैं, जो आपका 31 अगस्त तक के जो आंकड़े हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आपके जो CPI IW की जो अगस्त 2023 की जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से 139.2 यहाँ पर जो है वो CPI इंडेक्स आपका रहा है। इससे पहले जो था वो आपको बता दूँ 139.7 था, यानी कि 0.5 अंकों की गिरावट है वो यहाँ पर 1 महीने में देखने को मिली है। तो क्या इस गिरावट का फ़र्क पड़ेगा डीए की बढ़ोतरी पर, क्योंकि कैलकुलेशन के आधार पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डीए कैलकुलेटर के अंदर आ गए हैं, देख सकते हो यहाँ पर पुराना जो सारा कुछ इसमें अपडेट किया गया है। देख सकते हो आपका जून 2023 का तक का जो इंडेक्स है उसके आधार पे आपका 46.24% बन रहा है, यानी कि 46% डीए वो जुलाई 2023 से भुगतान किया जाएगा। इसके बाद में जुलाई के महीने में यहाँ पर 3 पॉइंट आपकी 3.3 की वृद्धि हुई थी, जिसके आधार पे 47.14% यहाँ पर डीए आपका हो चुका था। बट यहाँ पर अब 0.5 की गिरावट हुई है, तो यहाँ पर डाला गया है 139.2। तो यहाँ पर ये जैसे ही डालते हैं तो आपका जो डीए बनता है अगस्त 2023 तक, तो 47.97, यानी कि लगभग 48% डीए है वो आपका 2 महीने में बन चुका है। अब बाकी के आपके 4 महीने का रिपोर्ट आना बाकी है दिसंबर 2023 तक का, तो अगर उसकी रिपोर्ट आती है तो आपका जो डीए है वो 50% हो सकता है क्या, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि अगर ये चीज़ कम भी होती है तो आपकी क्या पॉसिबिलिटी है। फिर भी हम इसके अंदर यहाँ पर जो आपका सूचकांक है इसके अंदर यहाँ पर 139.2 ही डालते हैं कि इतना ही रहता है, तो यहाँ पर आपका जो है वो कितना होगा, यानी कि आगे के जो 4 महीने हैं उनमें इतना ही रहता है, तो आपका जो डीए है वो कितना बन सकता है, ये आपका 139.2 ये हमने यहाँ पर ये डाल दिया है। 4 महीनों में अगर यही सेम रिपोर्ट रहती है तो भी आपका डीए है वो 50.5% बनता है, और ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपका 4 महीने में बिल्कुल भी ना बढ़े, और अगर गिरावट भी होती है तो भी यहाँ पर देख सकते हो कितनी गिरावट होगी, 4 महीनों में गिरावट होगी, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो 50% तो आपका 1 जनवरी 2024 से कन्फर्म यहाँ पर मिलने वाला है, 99.99% चांसेस आपके कन्फर्म है, क्योंकि अगर नहीं बढ़ता है तो भी आपके सामने आंकड़े हैं, अगर ये सेम का सेम रहता है तो भी। और ये आप देख सकते हो 0.5 की गिरावट हुई है, और ये हर महीने नहीं हो पाती है। यहाँ पर ऊपर के जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जैसे कि यहाँ पर 132.3 था दिसंबर 2022 में, फिर 8 हुआ, 0.8 बढ़ा, और आपका 0.1 कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पर दोबारा बढ़ा है, फिर दोबारा बढ़ा है, फिर दोबारा बढ़ा है, यानी कि बढ़ता ही जाता है, यानी कि एक बार गिरावट वो देखने को मिल सकती है। तो ये आप देख सकते हो आपके सामने ये आंकड़े हैं, ये सारे हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि डीए है वो आपका 50% क्रॉस हो जाएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे जिस हिसाब से यहाँ पर 2 महीने में 2% बढ़ा है, तो आपका 51% तक डीए है वो इजीली जा सकता है, 5% की मैक्सिमम बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी और आंकड़े आएंगे तो हम आपको यहाँ पर अपडेट दे देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो जुलाई 2023 का जो डीए है वो यहाँ पर अनाउंस होने वाला है अब, और जो जनवरी 1 जनवरी 2024 से जो 50% डीए होगा, इसका अनाउंसमेंट यहाँ पर मार्च और अप्रैल के
के मंथ में किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर डालें नीचे कमेंट बॉक्स में।